सूबाई दारकूमत को आलूदगी ने जकड़ लिया। लाहौर आज भी मुल्क का बदतरीन आलूदा शहर करा। लाहौर दुनिया भर में पांचवें नंबर पर रहा। शरा 177 रिकॉर्ड। शहरी आंख नाक कान गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मौसम बदल गया। ठंडी ठंडी हवाएं गर्मी को बाय बाय कहने लगी। दर्जा हरारत भी गिर गया 29 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमा सेहत की संगीन लापरवाही खतरा बन गई। फ्लू वैक्सीन की खरीदारी 2 माह से सर्दखाने की नजर। केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद वैक्सीन ना खरीदी गई। हाई रिस्क अफराद को शदीद मुश्किल। रवा सीजन में वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने फ्लू वैक्सीन की 25,000 खुराकें खरीदने का अमल शुरू किया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में अखाड़ पे छाड़ के बाद खरीदारी रुक गई। साबिक निगरान हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर मुकम्मल। फ्लाईओवर पर फाइनल लेन मार्किंग, फिनिशिंग और सफाई सुथराई का काम जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबा ट्रैफिक के लिए आज रात या कल सुबह मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। मंसूबा फिरोजपुर रोड से चील चौक के मुकाम पर डिफेंस से जाने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री कॉरिडोर देगा। मंसूबे का संग बुनियाद साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने रखा था। हुकूमत स्ट्रक्चर प्लान रोड की फंडिंग के लिए तैयार। एलडीए सिटी की सुनी गई तमीराती काम शुरू करने का फैसला। मंसूबे की तकमील से नए रास्ते खुलेंगे। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। चनाब रोड, हुंजा रोड, खंजाब रोड और दीगर स्ट्रक्चर प्लान पर काम शुरू हो गया। एलडीए लागत और डिजाइन का सिनेनो जायजा लेगा। सीवीडी हुकाम की गैर जिम्मेदारी। साबिक निगरान हुकूमत के मंसूबे की तख्ती एक मरतबा फिर से चोरी। लैंडमार्क मंसूबा कलमा चौक अंडरपास मंसूबे की 10 रोज से तख्ती गायब है। सीवीडी हुकाम ताहाल लाइन रहे। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के नाम की तख्ती 2 मरतबा चोरी हुई। सीवीडी के गार्ड्स कैमरों की मॉनिटरिंग चोरी की वारदात ना रोक सके। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट में हेर फेर का इंकशाफ। सर्च ऑपरेशंस खुले के चेहरियों के गलत इदादो शुमार आईजी ऑफिस भिजवा गए। इदादो शुमार को तस्दीक के लिए स्पेशल ब्रांच भिजवा दिया गया। रिपोर्ट के बाद 7 मार्क की ग्रेडिंग भी ना हो सकी। जिला लाहौर की तमाम 6 डिवीजन्स में अलहदा से रैंकिंग की जाएगी। एसपीज को हर माह कारकर्दगी दिखाने के बाद पोजीशंस दी जाएंगी। पंजाब पुलिस के लिए 30 करोड़ से गाड़ियों की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। डबल कैबन, सिंगल कैबन, 1800, 1300 और 1000 सीसी गाड़ियां शामिल। स्पेशल ब्रांच के लिए 51 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। स्पेशल ब्रांच के लिए 2 डबल कैबन, 20 सिंगल कैबन डाले खरीदे जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 16 1000 सीसी, 8 1300 सीसी और 4 1800 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कौमी एयरलाइन पीआईए के निजकारी फिर लटक गई। बोली में हिस्सा लेने वाली 6 कंपनियों ने 60 की बजाय 100% शेयर्स का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन की मुद्दत 3 साल और पेंशन न देने पर भी तहफुजात सामने आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तुलबा का एहतजाज। आईटी के तुलबा ने एहतजाजन डिपार्टमेंट बंद करके धरना दे दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि फीसों में इजाफे के फैसले को वापस लिया जाए। शहर में तजावजात माफिया का राज बरकरार। टाउनशिप मार्केट और अतराफ में तजावजात की भरमार। जगह जगह फल, सब्जियों और दीगर अशिया के स्टॉल्स मौजूद। शहरियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। अपरमाल शौकत रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल। इलाका मकीन गंदा पानी पीने से बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रिहायशी मुल्हिका इलाकों के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाने पर मजबूर। कई बार दरख्वास्तों के बावजूद प्लांट की मरम्मत का काम ना किया गया। इलाका मकीनों का शिकवा। रावी शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद दफातर सरब महर। रूडा इंतजाम ने बरकत कॉलोनी, मंजूर गार्डन और गुलशन एचूम को सील कर दिया। फिजाम मदीना सिटी इंतजामिया को रेगुलराइजेशन के लिए तनबी नोटिस भी जारी। दूसरी जानब एलडीए शोबाई हाउसिंग की जहाजाम में कार्रवाई। प्लॉट नंबर 90H को कब्जा माफिया से वाकुसार करवा लिया। टीम ने भारी मशीनरी से आरसी और पुख्ता तमीरात मिसमार कर दी। बिल की अदम अदायगी। लेस्को ने ई लाइब्रेरी की बिजली मुनकते कर दी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जिम्मा 24 लाख के वाजिबात है। ई लाइब्रेरी का 2 माह का बिल अदा नहीं किया गया। बिल की अदम अदायगी के बायस लेस्को ने मीटर काट दिया। ई लाइब्रेरी में बिजली ना होने से इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तुलबा तालिबात को मुश्किलात।
नौजवानों की सेहत के साथ खिलवाड़ अब नहीं, फूड अथॉरिटी का ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। जोड़ी पुल दरोगा वाला में छापा, 1000 पैकेट ममनुआ गुटखा तल्फ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार, भारी जुर्माना आए। दरख्त काटने पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत रोड मुअत्तल, डॉक्टर तहसीन रजाक के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में काटे दरख्तों की अकसाम बयान नहीं की गई। उधर हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज पर 3 असातिज़ा नौकरी से हाथ धो बैठे, राणा लियाकत, काशिफ शहजाद और मुदस्सर हुसैन शामिल। टॉप 10 समेत 243 बदमाश पुलिस के लिए छलावा बन गए, गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्तें सामने आ गए। फहरिस्त में ख्वाजा कील उर्फ गोगी बट, हसन पहलवान भी शामिल, अमीर मौसिफ टीपू, अमीर फतेह टीपू, मियाँ हसीब उर्फ विक्की भी फहरिस्त का हिस्सा, अली उर्फ भोला, तनवीर उर्फ टीरा, अजहर उर्फ शाहिद भी शामिल, शहबाज उर्फ लाला, दिलावेज उर्फ भोली बट को भी पकड़ा जाएगा। समनाबाद में घर से खातून की लाश बरामद, खातून की शनाख्त नजमा बीबी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफिया घर में अकेली रहती थी, पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब, इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। साफ पानी बिल एक्ट 2024 पेश किया जाएगा। इजलास में पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, पार्टी शदीद माली बहरान का शिकार, सभी फंड्स देने से कतराने लगे, एक जलसा करने का भी फंड मौजूद नहीं। कायम मकाम सदर पंजाब हमाद हज़र की अराकीन असेंबली से फंड की डिमांड बेकार रही, चंद एमपीएस के अलावा किसी ने फंड्स ना दिए, बड़े सपोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया। वज़ीर सनअत व तजारत शाफ़ी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास, मियारी फ़नी तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात को सराहा गया। बोले, मियारी फ़नी तालीम का फ़रोग़ मेरा आज़म है। सूबाई वज़ीर की इम्तिहानी निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाने के लिए मौसर इक़दामात की हदायत। पीटीएम के पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज और नारों को कबूल नहीं करेंगे, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 5 IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान खुशांद है, उसके फवायद बिजली के बिलों में मिलने चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। ग्रीन टाउन में माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड बांटने की तकरीब, एमपीए मियां इमरान जावेद ने बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की। मियां इमरान जावेद ने माजूर अफराद में हिम्मत कार्ड और नकदी तकसीम की, मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआ भी की गई। डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया, वज़ीरे लेबर मलिक फैसल अय्यूब ने वेलफेयर ग्रांट्स के चेक तकसीम किए। खिताब में बोले, हुकूमत ने 50 साल तारीख के अंदर सबसे ज्यादा फंड तकसीम किए। तकरीब में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली, डीजी लेबर कल्सूम भाई की भी शिरकत। कमिश्नर लाहौर का ज़ेर सामई जदीद ई रजिस्ट्री सेंटर रायबिंड और शालामार का दौरा, शालामार सेंटर का काम 100%, रायबिंड का काम 90% मुकम्मल, इंस्टॉलेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर ने सेंटर्स में दाखिले, पार्किंग, वाशरूम्स और तामीर शुदा हिस्से का मुआयना भी किया। लाहौर को क्लीन रखने का मिशन तेज, डीसी के तहसील सदर में दौरे, जम्मू चौक, चाचू वाली गली और अतराफ में सफाई, तजावजात और डेंगू इकदाम का जायजा लिया। उधर डीसी सैयद मुसरसा की जेर सदारत अहम इजलास, गलियों में टफटार लगाने के हवाले से तबादला ख्याल। पंजाब टेक्निकल बोर्ड के जेरे तमाम पोजीशन होल्डर्स के इजलास में तकरीब, सुबह वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन ने खसूसी शिरकत की। फनी तालीमी बोर्ड में पोजीशन हासिल करने वाले 66 तलबा और तालबात को इनामात से नवाजा गया। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस के 7 वर्ष मुकम्मल, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की शिरकत। बोले, मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का औसत रिस्पांस टाइम 4 मिनट है। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने उन जगहों तक पहुंचना मुमकिन बनाया जहां चैलेंजिंग था। रेस्क्यू 1122 मजमू तौर पर 1.5 करोड़ लोगों को सर्विसेज फ्राहम कर चुकी है। पंजाब हुकूमत का कम्युनिटी पॉलिसिंग प्रोग्राम,
मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालबात का मुख्तलिफ पुलिस दफातर का दौरा। तलबा ने मॉडल पुलिस स्टेशन गुलबर्ग आबशार खिदमत मरकज सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक तलबा को आवाम के लिए थाना जात में मैसर सहूलियात और इकदाम बारे आगाही दी गई। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर की बैनुल अक्वामी तुलबा से मुलाकात। श्रीलंका अफगानिस्तान फलस्तीन कीनिया और दीगर मुमालिक के तुलबा ने मसाइल से आगाह किया। पीसी डॉक्टर शाहिद मुनीर की तुलबा को मसाइल हल करने के लिए अपील दिखाई। वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौ मुंतखब अहदेदारान के एजाज में तकरीब। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। सदर वेमेन चैम्बर फराहत इमरान ने दीगर अहदेदारान के हमराह मेहमानों का इस्तकबाल किया। नायब सदर वेमेन चैम्बर राहिला अख्तर, एग्जीक्यूटिव मेंबर सलूमी शेरून और दीगर भी मौजूद थे। सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आमद। कनाडा से आए सिख यात्रियों की मियामी दरबार पर हाजिरी। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान आमद को खुशाइंद करार देते हुए कहा मजहबी रसूमात की अदायगी के साथ काफी तबादले का भी मौका मिलता है। बिनाई का आलमी दिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेमिनार। वजीर सेहत सलमान रफीक, वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज की शिरकत। सीओ मियो अस्पताल प्रोफेसर एहसन नुमान, प्रोफेसर फैसल मसूद और प्रोफेसर असद अहमद भी शरीक। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद मोइन ने ब्रीफिंग। जहनी सेहत का आलमी दिन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में आगाही वॉक और तकरीब। सुबह वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की खसूसी शिरकत। मेडिकल तुलबा माहरी नफसियात और डॉक्टर्स भी शरीक हुए। उधर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर तकरीब। बच्चों के दरमियान मेंटल हेल्थ के मौजू पर पेंटिंग का मुकाबला करवाया गया। एवर केयर अस्पताल के इश्तराक से कॉम्सेट्स यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ एंड मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तुलबा को मेंटल हेल्थ केयर से मुतालिक आगाही फराहम की गई। फ्लैटिस होटल में हैंडमेड कारपेट्स की नुमाइश का दूसरा रोज। कारोबारी शख्सियत एहसन तनवीर का नुमाइश का दौरा। नुमाइश में मियां तीकुर रहमान, जकी एजाज, साबिक सदर लाहौर चैम्बर शाहिद हसन शेख मौजूद थे। 2009 में कारपेट इंडस्ट्री की 380 मिलियन डॉलर थी जो कम होकर 50 मिलियन डॉलर रह गई। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के सीनियर अफसरान का निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। नेशनल हॉकी स्टेडियम, जिमनेजियम हॉल, पंजाब स्टेडियम और स्विमिंग कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। डीडी स्पोर्ट्स परवेज इकबाल ने स्पोर्ट्स से मुतालिक ब्रीफिंग दी। और नेशनल इंटर डिपार्टमेंटल कराटे चैंपियनशिप कजाफी स्टेडियम में पुलिस एथलीट्स ने 6 मेडल्स जीत लिए। पुलिस टीम ने 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। पैटर्न पाकिस्तान पुलिस कराटे टीम शहजादा सुल्तान की मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात।